गाइस, सो लेट्स सी 15th of July. 15th of July की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है 15th of July को. ऑलरेडी ये हफ्ता बहुत ज्यादा हैपनिंग लग रहा है मुझे. हर हफ्ता, आने वाला हफ्ता पिछले हफ्ते से ज्यादा हैपनिंग हो जा रहा है किसी तरह से. सो 15th of July की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है. 15th of July की एनर्जी नाउ यहाँ पर हैंगमैन जो है वो उल्टा आया है कार्ड. बट आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी स्टक सिचुएशंस और बहुत सारी इल्यूजन्स जो है वो उलझने सुलझने वाली हैं और कुछ उलझने वाली हैं. सो उलझन और सुलझन दोनों का कार्ड आया है क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल भी उल्टा आया है. सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन जो जिसका बहुत समय से इंतजार था वो आ सकती है. लेकिन उस स्ट्रांग कम्युनिकेशन के आने से क्या होगा, और ज्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी. और ज्यादा कन्फ्यूजन से क्या होगा कि जो भी चीजें कंप्लीशन की तरफ जा रही थी वहां पे मुझे फिर से थोड़ी सी स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है. लेकिन मूवमेंटम जो है वो डेफिनेटली गेन ही होगा. नाइट ऑफ कप्स 3, मतलब 12 नंबर 3, हैंग्ड मैन 12 नंबर 3, 3 ऑफ कॉइंस 3. सो फिर से 7 है बीच में एक, लेकिन 3 जो है वो 3 की एनर्जीज हैं, 3 3 3. और अगेन मेरे को ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जहां पे फिर से ऑलरेडी तिगाड़ी जा चुकी है लेकिन फिर भी तिगाड़ी से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है. किसी तीन लोगों से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो सकती है. यहाँ पे मुझे किसी तरह के सेक्रीफाइस की, बाढ़ की एनर्जी भी दिखाई दे रही है बहुत बड़ी. तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लाइफ लॉसेज हो सकते हैं बाढ़ के कारण या ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटी के कारण जो ऑलरेडी बहुत सारी आ रही है हमारे दुनिया में इस टाइम पे. और यहाँ पे मुझे कोई स्टक सिचुएशन, कोई, क्योंकि यहाँ हैंगमैन का कार्ड है आप देखो तो ये स्लीपिंग ब्यूटी की एनर्जी है. और कोई स्टक सिचुएशन और उसके एग्जैक्टली बाद अलादीन है. तो कोई स्टक सिचुएशन जो है वो मुझे ऐसे दिखाई दे रही है जहां पे इल्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन. और उस इल्यूजन को सॉल्व करना, उस इल्यूजन को खत्म करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा. एक मैं और कार्ड निकालूंगी जस्ट टू कम्प्लीट दिस, क्योंकि लास्ट में 3 जो है, 3 ऑफ पेंटिकल जो है वो उल्टा आया था. तो ये 2 ऑफ सोर्ड्स है और 2 ऑफ सोर्ड्स भी उल्टा आया. तो बेसिकली मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, लेकिन क्योंकि कार्ड बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जिनका मीनिंग जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो आपको सीधे कार्ड में भी वो मीनिंग मिल जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है इंट्रोस्पेक्शन और कुछ बहुत अलग सा होना जो है वो दिखाई दे रहा है. एंड दिस इज ऑल्सो सीता माता की एनर्जी, सेक्रीफाइसिंग की एनर्जी. और ये आग जो है वो उसमें अग्नि परीक्षा की एनर्जी. तो मुझे ऐसा लगता है अराउंड 15th of July किसी तरह की अग्नि परीक्षा जो है वो किसी को देनी पड़ सकती है. एंड देन अगेन हम जानते हैं इस वक्त कौन किसकी अग्नि परीक्षा चल रही है. बट अदरवाइज ऑल्सो मुझे किसी तरह की परीक्षा, इल्यूजन, अग्नि परीक्षा, उस तरह की एनर्जीज जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ पे, और बहुत स्ट्रक सिचुएशन के बाद. सो लेट्स सी द क्लैरिफायर्स. नाइट ऑफ कप्स, what is this communication regarding? Yes, there is another judgment. Okay, hanged man, devil energy, knight of pentacle, 7 of cups, world energy, 3 of pentacle, fool card, and 2 of swords, 5 of swords. दिस इज वेरी वेरी स्ट्रांग एनर्जी क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई जजमेंट, कोई डिसीजन मेकिंग दिखाई दे रही है. और वो डिसीजन मेकिंग जो है ये बहुत बड़े सेक्रीफाइस के बाद होने वाली है, या इस डिसीजन मेकिंग के बाद कुछ सेक्रीफाइसेस होने वाले हैं. बट दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट. दूसरा, मुझे अगर ये नेचुरल कलामिटी है तो मुझे लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को लिफ्ट करना पड़ेगा, एयरलिफ्ट, जैसे बचाना पड़ेगा लोगों को, वो एनर्जी दिखाई दे रही है. दूसरा, यहाँ पे जो स्टक सिचुएशन थी उसमें मुझे थोड़ी सी डेविल एनर्जी जो है, मनी एनर्जी जो है, फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है कि मनी के कारण पैसे का इस्तेमाल करके किसी चीज को स्टक रखा गया था. और वहां पे एक नई इल्यूजन, एक नई, क्योंकि वो दुनिया के सामने आएगी तो दुनिया को समझ नहीं आएगा कि रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम ऐसे होगा जैसे फूल सीधा जा रहा है और अचानक से खाई में गिर जाता है. तो उस तरह की एनर्जी होगी, लीप की एनर्जी है, लेकिन बहुत केयरफुल रहने की एनर्जी है. और यहाँ पे इफ यू सी वो सेक्रीफाइस की एनर्जी जो है ऊपर, वहां पे नीचे एक किंग है 5 of swords का जो इसके सर पे कुछ डाल रहा है और इसका सर नीचे झुका हुआ है. तो मुझे ऐसा लगता है कि, और इसके ऊपर पैर रख के खड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे, आई नीड वन मोर क्लैरिफायर फॉर दिस, कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये जो सेक्रीफिशियल एनर्जी है, या ये जो सीता माँ की एनर्जी है, या जो एक तरह से अपना
अपना बलिदान देने की, अग्नि परीक्षा देने की एनर्जी है, वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस और ज्यादा खराब या डेंजरस जो है वो हो सकती हैं, उस तरह की एनर्जी नजर आ रही है। अगर आपके डेली लाइफ के हिसाब से बोलूं तो मुझे लगता है कि आज का दिन रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, पैसे या लालच में ना आना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक लालच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर वो लालच में आप आ गए तो आप अपना सारा आगे का जो समय है उसको खराब कर देंगे। और केयरफुल रहना, अचानक से किसी चीज को स्टार्ट ना करना, अचानक से किसी चीज को स्टॉप ना करना, केयरफुल रहना जो है वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी होगा। सो लेट मी सी एक और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज आता है। और ये देखो, हार्ट ब्रेक के बाद एक नई एनर्जी पेंट होना, दिस इज डेफिनेटली पावरफुल। 11 की एनर्जी है यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 3 की एनर्जी फिर से है, और मुझे लगता है किसी के लिए एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक आ रहा है। ये जो भी डिसीजन होगा ये किसी के लिए बहुत बड़ी मतलब पुल एंड पुश लेकर आएगा, लेकिन वो एक नई पिक्चर भी पेंट करेगा, एक नई जर्नी भी स्टार्ट करेगा, एक नई बिगनिंग भी देगा। सो लेट्स सी 15th of July, ओके सो 15th of July एक कार्ड यहाँ से, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एंड 7 of Wands, और यहाँ पे 2 कार्ड्स और वो हो गए थे तो मैं उनको उठा लेती हूँ। 7 of Pentacle, बहुत सारे पेशेंस के बाद, 5 of Cups, सी लॉस की फीलिंग और पेशेंस के बाद अपना ग्राउंड स्टैंड करना, और मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा बहुत सॉलिड तरीके से, लेकिन उसको भी पता है कि अब कोई फायदा नहीं है, द गेम इज ओवर, और उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है that the game is over। और here fighter प्लेन की एनर्जी, मैंने बोला ना एयरलिफ्ट की एनर्जी, फाइटर प्लेन की एनर्जी आई है, और उसके बाद ये ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी आई है, अगेन फ्लाइंग की एनर्जी, और ये हैंड है जो हैंड ऑफ हमसा भी बोलते हैं इसको, लेकिन ये अगर आप देखें तो पूरा प्लेनेट पूरे यूनिवर्स जो है इस हाथ में आपको दिखाई देगा, और दिस इज प्रोटेक्शन, दिस इज न्यू बिगिनिंग, और ये एक तरह से सुपर प्रोटेक्शन की एनर्जी है, और आपके हाथों में हाथों की ताकत का इस्तेमाल करने की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है, क्वालिटी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, बट कुछ बहुत अलग तरह से सामने आने की एनर्जी है। What is our guidance? 10 of Water, 10 of Cups होता है, हैप्पी होम की एनर्जी होती है, विश फुलफिलमेंट की। 7 of Water जो 7 of Cups होता है, इल्यूजन, देर विल बी एन इल्यूजन ऑफ समथिंग बींग कम्प्लीटेड, लेकिन आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि वो इल्यूजन जो है वो इल्यूजन सही नहीं होती है, इल्यूजन कभी भी सच नहीं होता है, फैंटेसी, इमेजिनेशन, इल्यूजन, ये टाइम है जब आप अपने इमेजिनेशन को यूज़ करो सही तरीके से, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो सही तरीके से, और ये टाइम है जब जो डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट्स या किसी चीज़ पे डाउट्स, उनको छोड़ दो, बट किसी तरह के कम्प्लीशन की इल्यूजन हो सकती है, और ये सीरेनिटी, पीस और गुड फ्यूचर और वेल्थ बींग का कार्ड होता है, जो बोलता है कि सब कुछ मेरे पास एफर्टलेसली आ रहा है, मैं अपने आप को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और जो एनर्जीज हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन इल्यूजन और सेलिब्रेशन दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इफ़ यू सी, इल्यूजन में सेलिब्रेशन हो जाती है कई बार, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इल्यूजन के बाद फाइनली सेलिब्रेशन की एनर्जी आएगी, बट अपने आप को इल्यूजन से जरूर बचा के रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है यहाँ पे, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, वाटर रिलेटेड कोई बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है, या वाटर रिलेटेड कोई बड़ा चैलेंज हो सकता है। फाइटर प्लेन, अगेन मुझे सारी एनर्जी, रिन्यूअल, रिबर्थ, प्रोटेक्शन, पावर, अथॉरिटी, कंप्लीशन, इल्यूजन, इस तरह की लग रही है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा 15th of July को। बात करेंगे 16th की।